हाय गाइज, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं जसवाल अमित चैनल। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नई टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर के आए हैं कि अगर कोई स्कॉर्पियो एन लेने की सोच रहा है तो वो Z4 और Z2 वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट चूज़ करे। डिमांडिंग जो वेरिएंट है वो है Z4, और सबसे बेसिक वेरिएंट आता है Z2। तो इन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं आगे बताता हूँ कि इन दोनों में सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है। और अगर आपका बजट 14 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में है तो आप Z2 और Z4 में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बट एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे Scorpio-1 की बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपने कौन सी स्कॉर्पियन बुक की है, कौन सा मॉडल आपने बुक किया है, या फिर आपने अगर डिलीवरी ले भी ली है तो कौन सी वेरिएंट की आपने डिलीवरी ली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसमें ट्रांसमिशन कौन कौन से मिलते हैं Z2 और Z4 में। Z2 में आपको मिल जाता है पेट्रोल मैनुअल, डीजल टू व्हील ड्राइव मैनुअल। Z2 में सिर्फ आपको मैनुअली मिलते हैं, वो भी पेट्रोल और डीजल। और Z4 में आपको मिल जाएगा पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल 4x4। Z2 और Z4 में सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं? सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों में सेम ही सेम मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल Z2 Z4 दोनों में मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये भी दोनों में मिल जाता है आपको। उसके बाद आपको मिल जाता है ABC और EBD, ये भी दोनों में आपको मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक फ्रंट और रियर, ये भी आपको दोनों में ही मिल जाते हैं, Z2 और Z4 दोनों में ही। और सेम सेफ्टी फीचर्स, यही सेफ्टी फीचर्स आते हैं Z6 वेरिएंट में भी। हम बात करते हैं हेडलाइट की। तो हेडलाइट में आपको मिल जाते हैं ड्यूअल बैरल हेडलाइट। प्रोजेक्टर आपको नहीं मिलता, प्रोजेक्टर आपको Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L में आपको सिर्फ प्रोजेक्टर मिलते हैं। 6, 2, 4 तीनों में आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं। ग्रिल आपको मिल जाएगी इसमें Z2 में ब्लैक मैट फिनिश की, और आपको Z4 वेरियंट में मिलेगी सिल्वर फिनिश की। आपको फॉग लाइट नहीं आती है और न DRL आते हैं दोनों ही वेरियंट में, न Z2 में आता है न Z4 में आता है। 17 इंचेस के इसमें टायर साइज मिलती है। Z2 में आपको सिल्वर कलर की रिम मिलती है, Z4 में आपको ब्लैक कलर की रिम पे स्टील कवर मिलता है। एलॉय व्हील आपको नहीं मिलते हैं, Z2, Z4, Z6 तक एलॉय व्हील आपको नहीं मिलते हैं। स्काई रैक और फुट स्टेप आपको मिल जाते हैं Z4 में, Z2 में आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है Z4 में, Z2 में वो नहीं मिलता है। ORBM आपको मिल जाएंगे बॉडी कलर के Z4 में, और Z2 में आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे बॉडी कलर के Z4 में, Z2 में आपको वो ब्लैक कलर के मिलते हैं। ORBM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, वो Z2 और Z4 दोनों में मिल जाता है। अगर आप वो देखा आपने देखा होगा सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, तो वो आपको इन तीनों वेरिएंट में नहीं मिलेगा, Z2, Z4, Z6 में आपको नहीं मिलेगा। Z8 और Z8L में आपको सिक्वेंशियल टर्निंग इंडिकेटर मिलेंगे। एरो वाइपर मिल जाएंगे आपको दोनों वेरिएंट में ही, Z2 और Z4 में दोनों वेरिएंट में ही आपको एरो वाइपर मिल जाएंगे, जो पानी की सफाई काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं शीशे पे आपके फ्रंट वाले शीशे में। बैक शीशे पे आपको मिल जाएगा Z4 में ओनली डिफॉगर और वॉशर, दोनों आपको मिल जाएंगे Z4 में। Z2 में ये आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। स्कॉर्पियन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको बेस वेरिएंट से ही इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलने लगते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम गाड़ियों में देखा गया है कि आपको बेस वेरिएंट से ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने लगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको Z4 में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, Z2 में ये आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा 10.66 सेंटीमीटर का। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर ये चीज़ मिल जाता तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता Z2, Z4 में। ये चीज़ TPMS आपको Z6 में भी नहीं मिलता है। स्टेयरिंग रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाते हैं Z2, Z4 दोनों में ही। Z2 में सिर्फ आपको ऑडियो के कंट्रोल मिलेंगे, और Z4 में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। Z4 लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, Z4 में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जा रहा है। सीट आपको दोनों में ही मिल जाएगी
फैब्रिक वाली सीट, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ये एकदम पकड़ के रखती है। मुझे तो लेदर वाले से काफ़ी अच्छी सीट ये वाली लगी। Z8L वाले से काफ़ी अच्छी सीट मुझे Z2 और Z4 वाली लगी। आपका मन करे आप आफ्टर मार्केट उसमें कुछ भी कलर के भी आप लेदर सीट करा सकते हैं। ड्राइवर सीट्स पे आपको मिल जाएंगे लंबर सपोर्ट और हाइट एडजस्टेबल, आपको दोनों मिल जाएंगे ड्राइवर सीट से Z4 में। Z2 में ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। सनरूफ की बात करते हैं तो वो आपको Z2 Z4 में नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको सिर्फ Z6 में आपको मिलने वाले हैं। Z2 Z4 में आपको रूफ लैम्प मिल जाएगी फर्स्ट रो सेकेंड रो में, थर्ड रो में आपको रूफ लैम्प नहीं मिलने वाली है। सेकेंड रो में AC वेंट भी आपको मिल जाएंगे Z2 Z4 में, बट Z2 में आपको कंट्रोलर नहीं मिलेगा सेकेंड रो में, Z4 में आपको कंट्रोल AC कंट्रोल भी आपको मिल जाया करेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स भी आपको स्कॉर्पियो के बेस मॉडल से शुरू हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्कॉर्पियो में ट्रैफिक में ये बहुत काम आता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है, आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो मेरी वो शॉर्ट्स वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। बात करते हैं Z2 किसे लेनी चाहिए, Z4 किसे लेनी चाहिए। Z2 वो ले सकते हैं जिनका बजट 14 से 15 लाख तक का है, उन्हें एक बड़ी गाड़ी चाहिए और एक मतलब चलाने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है फीचर से, तो उनके लिए Z2 सही है। पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, थोड़ी सी पावर आपको कम मिलेगी बट ठीक है बजट के हिसाब से जो 4x4 लेना चाहते हैं, क्योंकि 4x4 आपको Z6 में नहीं मिलने वाला है, Z2 में नहीं मिलने वाला है, Z4 में ही सिर्फ आपको 4x4 मिलने वाला है, उसके बाद आपको Z8L में ही आपको 4x4 का ऑप्शन मिलेगा। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमने Z6 बुक की है क्योंकि हमें डीजल मैनुअल लेना था, तो सिर्फ 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था Z4 और Z6 में। मे बी इंडिया की अपनी पहली Z6 अपनी होने वाली है, तो लेट्स सी देखते हैं कि डिलीवरी कब और कैसे मिल जाती है। वैसे फैब का मंथ में ही उन्होंने बोला है डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो ये था वीडियो आपका स्कॉर्पियो वैन की Z2 और Z4 में कंपेरिजन वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट डे आपको मिलेगा Z4 और Z6 में कंपेरिजन वीडियो। तो आगे ही ऐसे आपको पर डे ही एक एक वीडियो जैसे मिलते जाएंगे स्कॉर्पियो वन को लेकर के और भी सारी कार्स को लेकर के, तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।